दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है अपने परिवार नाथ स्टडी में। जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक रुकना नहीं है दोस्त। स्वामी विवेकानंद कहें उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। दोस्त मंजिल के लिए ही हम कड़ी मेहनत करेंगे बाबू। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बाबू आपके लिए रोज की तरह। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने किसके साथ मिलकर देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता क्या क्या है शुरू किया है? तो किसके साथ मिलकर? इसरो के साथ मिलकर शुरू किया है। क्या देखिए किसके साथ? इसरो के साथ। कौन? नीति आयोग। कौन बाबू? नीति आयोग। नीति आयोग ने, ठीक, नीति आयोग सुनिए। और ये कौन है? किसके साथ? इसरो के साथ। किसके साथ? इसरो के साथ मिलकर क्या किया है? यही शुरू किया है। क्या? नेशनल स्पेस इनोवेशन नवाचार। अब देखिए ये शुरू किया किसके लिए? यानी छह से बारहवीं तक के छात्राओं के लिए शुरू किए। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो अपना नवाचार उद्यमिता है स्पेस मतलब क्या? अंतरिक्ष। क्या है? अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष के बारे में अपने देश के पीढ़ी को, युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए, उनके बारे में जानकारी रखने के लिए इन चीजों को इसरो के साथ मिलकर नीति आयोग ने क्या किया है? शुरू किया है बाबू। ठीक, शुरू किया है। देखिए, अच्छा ये कौन है? अटल कहते हैं ना, ये है साथ में कौन? अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन 2016 में नीति आयोग ने क्या किया था? इसका स्थापना किया था। कौन 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 किया था? नीति आयोग ने। ठीक, और यही है इसका, पूछेगा अटल नवाचार किसका है तो नीति आयोग का है। और नीति आयोग का संस्था एक, और इसरो के साथ मिलकर क्या किया है? नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज क्या किया है? शुरू किया है अंतरिक्ष के बारे में जानकारी के लिए। अच्छा देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई बाबू? 15 अगस्त 1969 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु की बात है, थोड़ा सही पे देख लीजिएगा। बेंगलुरु का किस नदी के किनारे बसा है बाबू? बेंगलुरु है क्या? वृषभावती नदी के किनारे क्या है बसा। अच्छा, बेंगलुरु को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं। और क्या कहते हैं? भारत का बागीचा कहते हैं। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष शहर। और क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। अच्छा बाबू, आइए, सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। अच्छा, अब कौन देगा? नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था भारत में? 1 जनवरी 2015 से हुआ था। ठीक, अच्छा, नीति आयोग किसके जगह पर आया था? नीति आयोग आया था किसके? योजना आयोग के स्थान पर आया था यह। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान पीएम होते हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन वेरी है। कौन? उपाध्यक्ष हैं। ठीक, आइए बाबू, इसरो के कौन है अध्यक्ष? सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ हैं। क्या? अध्यक्ष हैं। ठीक, अच्छा, कद इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में। अच्छा, डीआरडीओ रक्षा से संबंधित काम करता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। यूनेस्को एक संस्था है विश्व का, इसकी स्थापना हुई थी आपका 1945 में। ठीक, नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी बाबू। ठीक, और देखिए
साथ में अपने नोट भी बनाइए अच्छे से, बहुत काम आएगा बाबू एग्जाम के लिए। ठीक, आइए बाबू देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, मनाया जाता है बाबू कब, 14 अगस्त को, यानी जब विभाजन के दिन भारत के लोगों के द्वारा जो असहनी पीड़ा और दर्द हुआ था, उन दिनों को याद करने के लिए, उन्हीं के याद में हम क्या करते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। क्यों बाबू, देखिए हमारे देश के लिए लोगों ने क्या किया, प्राण दिया आजादी कराने में, और जब अलग हुआ था तो 14 अगस्त को जब अलग हुआ था भारत तो और पाकिस्तान से, उस समय इधर की झड़प उधर का झड़प हुआ था, कई लोगों को जान भी चली गई थी, और इन चीजों को जो झेले थे हमारे भारतीय वासियों को, लोगों को याद दिलाने के लिए, उनके याद में हम लोग मनाते हैं क्या, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 अगस्त को मनाते हैं बाबू। ठीक, इनके यानी विभाजन के दिन, क्या बाबू, विभाजन विभाजन के दिन जब कब, 14 अगस्त को हुआ था, उन्हीं के क्या याद में, यानी दर्द और जो पीड़ा सहे थे, दर्द पीड़ा जो सहे थे, उन्हीं के याद में हम मनाते हैं क्या, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं बाबू। कब से मनाते हैं, 2021 से क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक, अच्छा कह दिया कि इसमें दे दिया बाबू कि 10 अगस्त को क्या होता है, देखिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, और क्या है विश्व शेर, और क्या विश्व विश्व जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस। ठीक, अच्छा 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं क्या, विश्व युवा दिवस। क्या मनाते हैं बाबू, विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस मनाते हैं। और फिर क्या मनाते हैं, विश्व हाथी दिवस, क्या विश्व हाथी, विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त को तो मनाते हैं, 15 अगस्त को क्या हुआ था, हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कब, 15 अगस्त को। ठीक, अच्छा अभी हाल ही में देखे होंगे 9 अगस्त को क्या मनाया गया है, मेरी माटी मेरा देश, क्या मेरी, देखिए क्या कब कब बाबू, 9, अच्छा 9 अगस्त को क्या है, मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है, क्या मेरी माटी मेरा देश का। ठीक, अच्छा अगर कह दे 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को बाबू मनाया गया था क्या, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आंदोलन मनाया गया था। तो बाबू नोट भी बनाइए और प्लस साथ में अच्छे से इसको देखिए। देखते हैं बाबू तीसरा क्वेश्चन, बाबू तीसरा क्वेश्चन है, दसवीं भारत नेपाल लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC यानी क्या, लाइन ऑफ क्रेडिट समीक्षा की बैठक की गई है। इसका कहने का मतलब यह है कि भारत यानी कौन, भारत और नेपाल, नेपाल के बीच में जो भी क्या होता है, परियोजना हुआ है, परियोजनाएं आती हैं क्या, परियोजना पे मतलब क्या, सड़क पानी बिजली, यानी पानी सड़क बिजली जो भी परियोजनाएं चलती है भारत और नेपाल के बीच में, उस पर बैठ के नेपाल और भारत ने क्या क्या समीक्षा किया है कि हमारा इस पे क्या है क्या नहीं, कितना खर्च होगा, कैसे ले जाना है, बचत कैसे करना है, इन चीजों को देखकर परियोजना पर भारत ने क्या किया, नेपाल ने मिलकर क्या क्या बैठक किया है। और बैठक कहाँ हुआ, क्वेश्चन पूछेगा बैठक कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, काठमांडू में हुआ है आपका बाबू दसवीं बैठक। अच्छा नेपाल देखिए कहते हैं ना, ये अपना क्या है, भारत है, ये अपना क्या है, भारत है। ठीक, और भारत है तो यहाँ पे जो अपना ये क्या है, ये क्या अपना नेपाल है, क्या है नेपाल है, नेपाल। अच्छा नेपाल और भारत के साथ में कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, देखिए ये जो है अपना यहाँ पे है क्या, उत्तराखंड, क्या बाबू उत्तराखंड,
खंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और क्या है बिहार, ठीक बिहार, और क्या है अपना सिक्किम है, क्या है सिक्किम है, सिक्किम और क्या है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। यानी कितने पूछेगा, नेपाल भारत के राज्य से कितने सीमाएं बनाता है, कितने राज्यों से, तो पांच राज्यों से, एक दो तीन चार पांच राज्यों से क्या करता है सीमा बनाता है। अच्छा पूछेगा सबसे अधिक सीमा नेपाल से कौन सा राज्य बनाता है, तो बिहार है, क्या सबसे अधिक अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, बिहार है। अच्छा नेपाल है, तो नेपाल के बीच में कौन सी नदी बनाती है सीमा, कौन सी नदी है आपका, उस नदी का नाम है काली, यानी क्या नाम है काली नदी, काली नदी क्या करती है सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच का। अच्छा नेपाल है, नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है काठमांडू है, काठमांडू है। अच्छा काठमांडू है, काठमांडू किसका मुख्यालय है सार्क का, किसका है सार्क का, क्या है हेड क्वार्टर है। अच्छा यहाँ की संसद का क्या नाम है राष्ट्रीय पंचायत, क्या है बाबू राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत किसके किसके किसका है नेपाल का संसद का नाम है बाबू। आइए बाबू देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी विजेता कौन है। अभी बाबू देखिए अभी जल्दी हुआ है और एक दो दिन की पहले की बात है, कल यानी हुआ है क्या चैंपियन एशिया चैंपियन ट्रॉफी किसका हॉकी का, क्या हॉकी पुरुष में, क्या पुरुष में हुआ है बाबू क्या चैंपियन एशिया का। अच्छा आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन हुआ कहाँ पर चेन्नई में, कहाँ पर बाबू चेन्नई में हुआ है आयोजन इसका, ठीक। और भारत ने देखिए भारत ने किसको हराया है मलेशिया को, भारत किसको मलेशिया को, मलेशिया को हराया कितने 4-3 से हराकर विजेता बन गया, क्या भारत। अच्छा कितनी टीमें भाग ली थी बाबू, छह टीमें भाग ली थी और भारत ने कितनी बार चौथी बार क्या बना है विजेता बना है। अच्छा एशिया हॉकी चैंपियनशिप की आयोजन देखिए, एशिया हॉकी चैंपियनशिप का प्रारंभ जो हुआ था 1982 में हुआ था, कहां से पाकिस्तान से, पाकिस्तान से क्या हुआ था प्रारंभ हुआ था। अच्छा विश्व कहेगा, अगर कह दे विश्व हॉकी पुरुष 2023 विश्व कप हॉकी पुरुष 2023 विजेता कौन था जर्मनी। ये हुआ था कहाँ आयोजन, भुवनेश्वर में, कहाँ पर भुवनेश्वर में हुआ था 2023 का पुरुष हॉकी जो जीता था जर्मनी जीता था, ठीक, और कहाँ हुआ था भुवनेश्वर में। अच्छा कह दे हॉकी से संबंधित कौन कौन से ट्रॉफी है, देखिए हॉकी से देखिए हर इसके भारत के कैप्टन कौन थे हरमनप्रीत सिंह, कौन थे हरमनप्रीत सिंह थे, ठीक। अच्छा हॉकी से कह दे हॉकी से ट्रॉफी कौन है, हॉकी से देखिए हॉकी से अपना ट्रॉफी है बाबू, हॉकी से अपना ट्रॉफी है कौन आगा खां कप वेटन कप अजलान शाह कप और क्या है, तो क्या है ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक। अगर अब कहेगा कौन है तो आप कह सकते नेहरू ट्रॉफी भी, क्या बाबू नेहरू ट्रॉफी, क्या कह सकते हैं नेहरू ट्रॉफी। तो बाबू ध्यान रहे कि हॉकी से संबंधित आगा खां कप बेटन कप अजलान शाह कप ध्यानचंद नेहरू ट्रॉफी बाबू बेहतर से नोट बनाइए और अच्छे से इस पे ध्यान दीजिए, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं चीजों को लिखकर याद नहीं करेंगे तब तक तो कोई दिमाग में सेट नहीं होगा। जब आप
लिखेंगे भी और समझेंगे भी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बार बार चीजों को आप पढ़िए, आप रिवाइज बार बार करिए, तभी आपको अच्छे से सेट हो जाएगा दिमाग में। आइए बाबू देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। बाबू पांचवा क्वेश्चन है, टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया लोगो जारी किया है, किस नाम से जारी किया है? देखिए, जब अपना एयर इंडिया घाटा में चल रहा था, उसमें टाटा समूह ने 2022 में क्या किया, अपने अधिग्रहण कर लिया। कौन? देखिए, टाटा समूह ने एयर इंडिया, किसको? एयर इंडिया को क्या किया 2022 में? कब बाबू? 2022 में क्या किया? अधिग्रहण कर लिया। कब? 2022 में अधिग्रहण कर लिया। अच्छा, किसको? एयर इंडिया को। अच्छा, इसका पहला लोगो क्या था? लोगो क्या था? महाराजा। ये क्या है? पुराना है। अच्छा, इसका कहेगा कि नया लोगो किस नाम से जारी किया है? इसका आंसर है क्या? दो विस्टा है। क्या है? दो विस्टा है। ठीक। अच्छा, अब इसके स्थान पर यह देखिए 1946 से जुड़ा था। यह कब से जुड़ा था महाराजा? 1946 से जुड़ा था। लेकिन अब कहते हैं ना कि समय के अनुसार बदल जाता है। सोने की खिड़की की तरह बना है यह, और इसमें कहा जाए तो लाल बैगनी सफेद रंग का यूज है इसमें, और इसका नाम क्या है? द विस्टा। ठीक, द विस्टा है। ठीक, और देखिए इसमें कहा जाए तो एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली है। क्या बाबू? दिल्ली है अपना हेडक्वार्टर। ठीक, आइए बाबू देखते हैं छठा क्वेश्चन है बाबू, शेरों के लिए। मेरे आप लोग शेर